अब आ गया है iTel Vision One, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। जाने माने एक्टर और डायरेक्टर गुरुदत्त, जिन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर डायरेक्टर्स के तौर पर भी देखा जाता रहा है, उनकी जिंदगी पर जल्द ही बायोपिक बनने की तैयारी चल रही है। ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे पर जिंदगी के रंग उतारने वाले गुरुदत्त की बायोपिक भावना तलवार बना रही हैं। इसी फिल्म से भावना अपना डायरेक्शन डेब्यू भी करेंगी। गुरुदत्त की बायोपिक का नाम उन्हीं की सुपरहिट फिल्म प्यासा के नाम पर रखा गया है। गुरुदत्त की प्यासा फिल्म साल 1957 में आई थी। उसमें एक राइटर की स्ट्रगल और गरीबी की कहानी को दिखाया गया था। प्यासा फिल्म के गाने आज भी लोगों को पसंद हैं और अक्सर सुने जाते हैं। बायोपिक के बारे में बताने के लिए भावना ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने स्क्रिप्ट की फर्स्ट पेज की फोटो लगाई है। गुरुदत्त की इस फिल्म में पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। गुरुदत्त पर बन रही इस बायोपिक में उनकी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। उनकी लव लाइफ से जुड़े या उनकी मौत से संबंधित ऐसे कई राज हैं जो लोगों को आज भी हैरान कर जाते हैं। इसी में से एक है गुरुदत्त और वहीदा रहमान का रिश्ता। गुरुदत्त की आर्थिक स्थिति को और उनकी मौत को लेकर भी इस फिल्म में चीजें दिखाई जा सकती हैं। बताया जाता है कि गुरुदत्त के पास पैसे की इतनी कमी हो गई थी कि उन्हें अपने मकान को बेचना पड़ा था। उसके बाद वो पत्नी गीता दत्त और बच्चों के साथ किराए के घर में शिफ्ट हुए। बाद में गीता दत्त अपने मायके चली गईं। कहा जाता है इसी बीच वहीदा रहमान ने भी उनसे दूरियां बना ली। उसके बाद गुरुदत्त को शराब और नशे की लत लग गई। फिर 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने सुसाइड कर लिया, जो उनके फैंस के लिए आज भी बेहद अचंभे जैसा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुदत्त की इस बायोपिक प्यासा में इन सभी पीछे छूट गए सवालों का जवाब मिल सकता है। स्क्रिप्टिंग में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि उनकी ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों को पर्दे पर उतारा जाए। फिल्म की दूसरी कास्ट के बारे में अभी तक ज़्यादा पता नहीं चल पाया है, जल्दी उसके बारे में भी पता चलेगा, आपको ललन टॉप पर जानकारी मिल जाएगी। बाकी गुरुदत्त की कुछ यादगार फिल्मों में से हैं कागज़ के फूल, मिस्टर एंड मिसेस 55, साहेब बीवी और गुलाम, आर पार, चौधरी का चांद, बाजी, CID, बाज, जाल, सुहागन और बहुरानी। बाकी ये खबर यहीं तक, देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें।